अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं जी अशराफ हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम फैमिली के साथ दोबारा से गेट टुगेदर पे जा रहे हैं। तो ये हमारे करीब एक गंडा सिंह बॉर्डर है लाहौर के करीब इंडिया के साथ, और दूसरा एक बॉर्डर है वाघा बॉर्डर। तो वाघा बॉर्डर हमने देखा हुआ है पहले, तो गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ आ जाते हैं फैमिली के साथ। वहाँ पर हमने थोड़ी सी बुकिंग भी की हुई है, सिक्योरिटी क्लियरेंस भी की हुई है। तो ये सारी चीज़ें साथ जाके देखते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, साथ रास्ते में ट्रैवल में सारी जो चीज़ें आपके सामने रखेंगे, और व्लॉग के साथ अभी स्टार्ट करते हैं। आए जी, शुरू करते हैं। ले जी, व्लॉग स्टार्ट हो गया। तो गाड़ी में बैठते ही हमारा जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो ये है कि आप सफ़र की दुआ पढ़ें। सफ़र की दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिनल मुनक़लिबून। तो ये दुआ है, सब लोगों ने पढ़नी है और सब लोगों को पढ़नी चाहिए, और कोई भी सवारी हो उसके ऊपर ये पढ़नी चाहिए ताकि आप महफूज हों और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक भी आप चलें। तो बच्चों आप भी पढ़ो भाई, अब्दुल्ला पढ़ो जल्दी से। जी व्यूअर, ये एक एरिया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये एरिया जो है ये काना की साइड पे जा रहा है, ये डिफेंस रोड है। तो यहाँ पे एक ब्रिज बनाया है जो CNW ने बना के दी, सामने उसकी ये सारा एरिया आ गया। ये रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर है ये ब्रिज, और ये BOT बेस पे था, तो CNW ने बनाया था ये ब्रिज, और ये इसकी कॉस्ट भी पूरी हो गई है। और ये इतने अभी तक इसके टोल टैक्स लेते जा रहे हैं कि 20 साल तक इनका एग्रीमेंट है, और जितनी कॉस्ट उससे ज़्यादा ले चुके हैं, और अभी तक ये लोगों के ऊपर एक किस्म का बर्डन है। ये गवर्नमेंट के पास पैसा होने के बावजूद इस तरह की गवर्नमेंट करती है काम कि उनको फिर सारी उम्र वहाँ पैसे देती रहती है। ये वो फ्लाई ओवर है जो BOT बेस पे था, और इसको एक अच्छा प्रोजेक्ट तो अच्छा है, लेकिन आवाम के ऊपर का बर्डन आ गया हुआ है ताकि आवाम इसके ऊपर टोल देती रहती है। यहाँ से जी फ्यूलिंग कराते हैं। फिर आगे चलते हैं। ये जी फलों का बड़ा अच्छा एरिया ये। मूसा जी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, अब्दुल्ला अभी आ गया हो। मूसा माशाल्लाह आप एंजॉय कर रहे हो। लो जी बच्चे भी बाकी भी आ गए हैं। ये जी रिंग रोड आ गई है। ये देखे जी गांव के बच्चे देखें, बकरी है अभी भी। और ये रिंग रोड पे हम आ गए हैं, तो रिंग रोड का काफ़ी सारा पोर्शन भी मैंने कंस्ट्रक्ट करवाया हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी एक मोटरवे टाइप रिंग रोड है, रिंग रोड 1 लाहौर के सराउंडिंग में। तो इस तरह रिंग रोड 2 है, अभी वो डिले में है। ये देखें जी बेहतरीन मोटरवे टाइप रोड है। ये जी हमारी ट्रेडिशनल कसूर रोड आ गई है, जो फिरोजपुर रोड इसका नाम है, और ये सीधी फिरोजपुर जाती है जो इंडिया का सिटी है। जैसे हमारा कसूर है बॉर्डर के साइड पे, और दूसरी साइड पे इंडिया की दूसरी साइड पे, इंडिया वाली साइड पे फिरोजपुर रोड फिरोजपुर है, तो उसी सिटी के नाम के ऊपर ये रोड आज तक चल रही है। तो ये बॉर्डर बिटवीन कसूर एंड फिरोजपुर है ये बेसिकली। तो ये सबसे बड़ा मेन बॉर्डर था जो हमारा इंडिया पाकिस्तान के दरमियान 1986 तक इसका इस्तेमाल होता था, और ये राउंड अबाउट कोई 55 किलोमीटर जो है ये लाहौर से दूर है ये बॉर्डर जो है। तो इससे आगे साथ आगे सतलुज रिवर भी है, और
बड़ा मेन बॉर्डर था, परली साइड पे सारा सिखों का इलाका है और इस साइड पे लाहौर है। तो ये वहाँ पे जो गंडा सिंह बॉर्डर है वहाँ या वाघा बॉर्डर में मेन जो इनकी चीज़ है वो है परेड, जो आर्मी की परेड दोनों साइडों पे होती है, तो फ्लैग की रूनुमाई होती है, झंडे को शाम को उतार लेते हैं, सुबह उसको चढ़ा लेते हैं और परेड होती है, लोग आते हैं एंजॉय करते हैं, दूसरे मुल्क के लोगों को देखते हैं, तो हल्ला गुल्ला होता है बीच में, काफ़ी नारेबाजी भी होती है, तो एक फैमिलीज आती हैं वहाँ पे, तो एक अच्छा लगता है फैमिली गेट टुगेदर में। जी व्यूअर, मैं इस टाइम गंडा सिंह बॉर्डर के करीब आ गया हूँ। मेरी लेफ्ट साइड पे आपको बीआरबी नहर नज़र आ रही है, तो इस बीआरबी नहर के ऊपर सिक्योरिटी चेक लगाया हुआ है, जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं वो अभी यहाँ पे रुकी हुई हैं सारी, तो जैसे ही आगे क्लियरेंस मिलती फिर आगे जाते हैं। ये पीछे सारा इलाका नज़र आ रहा है और ये बड़ा रश देखें जी मेरी राइट साइड पर, कितना रश है सारा एरिया। जी हम प्रोटोकॉल में आ गए हैं, अब हमारी क्लियरेंस हो गई है, आगे हम आगे तक एंड तक जाएंगे, जिनका प्रोटोकॉल नहीं है वो यहाँ पे दूर ही रोक देते उनको, दो दो तीन तीन किलोमीटर दूर। ये देखें जी कितना रश है, लोग पैदल भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, फिर आगे जाके दिखाते हैं। ये देखें जी प्रोटोकॉल का कार्ड लग गया है, अभी ये सारा एरिया हमें मिल गया। यहाँ राइट साइड पे बड़ी है देखें, सारी आबादी है, ये लोग रहते भी हैं। ये बॉर्डर की तरफ जा रहा है एरिया, आगे हम चलते हैं इंशाल्लाह, आपको सारा इलाका दिखाते हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं सारे। ये जी सेकंड सिक्योरिटी की जो लोकेशन है वो आ गई है, तो अब हम यहाँ भी चेक कराएंगे फिर आगे जाएंगे। हम लोग इस टाइम गंडा सिंह बॉर्डर पे आ गए हैं, तो बच्चों के साथ एंजॉय हो रहा है सारा। साइडें दिखाई सारी, उस साइड पे भी दिखाओ, चारों तरफ से दिखाओ। ये परली साइड आ गई, इंडिया की आ गई है, सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये हमारी पाकिस्तान की साइड है, तो बड़े नारेबाजी शुरू हो गई है, लोग आए हुए हैं। ये जी इंडियन आर्मी के लोग और ये उनकी साइड नज़र आ रही है, ये सारी वो फैमिलीज हैं, और ये हमारे पाकिस्तान, ये सारे लोग वो हैं, ये फैमिलीज नज़र आ रही हैं, ये हमारी ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर और ये सारी। अब ये सारा फैमिलीज इंजॉय कर रही हैं सारी की सारी, वाह जी वाह, बड़ा अच्छा सीन है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे फैमिलीज। अच्छा व्यूअर, ये थोड़ा सा ना छोटा है, जो वाघा बॉर्डर का एरिया है वो ज़रा काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी छोटा है, और यहाँ लोग भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, और कई दफ़ा तो बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं लोग सारे के सारे। मूसा को भी देखें जी, माशाल्लाह ये कितना हल्ला गुल्ला है, ये देखो कितना शोर गुल है, फैमिलीज हमारा फ्लैग है और ये इंडिया का फ्लैग है। Yeah।
मूसा, ये हम एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, रो रहा है ये मूसा, चूजू कर रहा है, बड़ा शोर है, सारे फैमिली नाच भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मेरे से हमारा पाकिस्तान की तरफ से बड़ा मोटिवेशन दे रहा है, ये जी क्लास कन्वर्सेशन हो रही है हमारे और उनके लोगों के साथ, बड़ी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है और गर्मी भी बड़ी हो रही है। दोबारा से पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारी हो रही है अब कन्वर्सेशन, माइयों और बच्चों से गुजारिश है, ये सब बता रहे हैं ये अच्छा है कि ग्यारह वोटिंग होनी चाहिए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये नारे आपने लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, माशाल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जंपिंग शुरू कर दी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है जी, ये टांग उठाने का मुजाहरा हो रहा है, कौन कितनी ज्यादा ऊंची टांग उठाता है, ये अब उनके भी आ गए हैं जी, क्या बात है जी, क्या बात है, अभी इंडिया की साइड है, पहले मारे थे अब वो टांग उठा रहे हैं, वो आ गई भाई और आ गई जी हमारी पार्टी आ गई, वाह जी वाह, ये अब एंट्री होने लगी, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, एक और आ गए, ये जी हमारी साइड से अब हो चुकी है, अब उनकी तरफ की बारी है, ये उनका आ गया, क्या बात है जी, ऐसे देखो अभी जाए इधर देखो, मूसा क्या बात है, वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अब एक और आ गया, उनके जवान ये अब हमारे जवान, क्या बात है, उधर वाले भी लगे हैं अभी, मूछों को ताव दिया जा रहा है, जिधर ये सब एंटरटेनमेंट है, कोई लड़ाई जंग नहीं है, सब एंजॉय करते हैं फैमिली दोनों तरफ, आर्मी वाले भी आपस में एंजॉय करते हैं और इनकी परेड का हिस्सा है सबका, तो ये सारे इस तरह से एक्शन करके मोटिवेशन देते हैं अपने कंट्री के लोगों को, जिगर बड़ा मजेदार सीन है, आप उसमें इशारे ऐसे हो रहे हैं जैसे अभी लग पड़ेंगे, ये देखो जी मेरे पीछे बच्चे हैं, ये देखिए
सब एंजॉय कर रहे हैं, सारी सारा मुल्क एंजॉय कर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये नारे लग रहे हैं जी सब, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे फौजी उधर चले गए हैं, उनका इधर आ गया। ये जी परेड का इख्तिताम होने वाला है, ये शुरू हो गया झंडा उतारने वाला, ये विसल बजने शुरू हो गए हैं। ये उतर आया, ये दोनों उतार रहे हैं, ये आ गए जी नीचे, आ गए फ्लैग डाउन हो रहे हैं, दोनों बजा रहे हैं बगल। ये जी नीचे आ रहे हैं दोनों झंडे, पाकिस्तान जिंदाबाद। झंडे हो गए, चलो जी झंडा, बड़ा मजा आ रहा है, झंडा उतर गया सब लोगों का, बुला मजा आया जी, अब झंडा उतर गया, अब लोग आपस में जा रहे हैं जी वापस। पेड़ क्लोज हो चुकी है और सब ने एंजॉय किया, और अभी हम वापस निकलते हैं, झंडे उतर गए। जी परेड खत्म हो गई है, अब सब लोग अपने अपनी जगहों पे जा रहे हैं घरों की तरफ, तो हम लोग भी जा रहे हैं। ये पीछे जी मेन गेट है गंडा सिंह बॉर्डर का, ये आपको नजर आ रहा है, और अब सब लोग जा रहे हैं। फ्रंट व्यू भी दिखाता हूँ, ये देखें कितनी दुनिया आ रही है और जा रही है सारे लोग। हमने थोड़ा सा प्रोटोकॉल लिया था और हम काफ़ी आगे तक गाड़ियां ले आए थे, बाकी हम आगे जाके देखते हैं, और वापसी भी होती है वापस। और ये मोनूमेंट भी दिखाओ, ये जी पार्किंग एरिया है थोड़ा सा, और ये जो स्पेशल प्रोटोकॉल पे होते हैं उनको आगे आने देते हैं, बाकी गाड़ियां काफ़ी 2-3 किलोमीटर पीछे रहने देते हैं। जब हम लोग वापस आ गए तो रिंग रोड पे चढ़े हैं, ये सामने रिंग रोड पे चढ़ के तो आगे चलते हैं। ये बुलेश इंटरचेंज है रिंग रोड का, देखिए हम चढ़ गए अब रिंग रोड के ऊपर, और फर्दर फिर अब हम घर जाके फिर बताते हैं। तो ये था जी आज का सारा व्लॉग जो हमने गंडापुर बॉर्डर पे जाके एंजॉय किया फैमिली के साथ, सब ने हला गुला किया, सारा जो रूनमाई थी फ्लैग की उसको देखा और पिक्चर्स बनाई, एंजॉय किया, और सारा दिन की आपके साथ व्लॉग को शेयर करें हम आज। तो इंजीनियर स्टाफ को इजाज़त दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको फर्दर जो भी वीडियोस होंगी इंटरेस्टिंग वो आपके पास आती रहें। तो इंजीनियर शाह की साइनिंग ऑफ, अस्सलाम वालेकुम।